हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवरत्न एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एडजेक्टिव। मैं आज आपको पहली एडजेक्टिव की एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव का कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने करवाया था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मैंने उस वीडियो में करवा दिया था। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ट्राई करिए ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप इनके आंसर तभी दे पाएंगे जब आप उस वीडियो के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। सो अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको चांस दूंगा इसे अटेम्प्ट करने के लिए, कि मीन्स पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए और इसके बाद मुझे बताइए कि कितने सही हुए और कितने आपके गलत हुए। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में है, इसके बाद 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर सेकंड में है, इसके बाद 2 एक्सरसाइज और हैं इसी में ही। तो सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने सही हो गए। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या बोल रहा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड्स। ओके, मींस आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं 5, इसमें से आपको तो पहला नंबर आइडेंटिफाई करना है क्या, एडजेक्टिव, और उसके बाद बताना है वो किस टाइप का एडजेक्टिव है। ओके, अब ये आप तभी कर पाओगे जब आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पता होगा, और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के साथ साथ में उनके फंक्शंस अगर हमें पता होंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें देखते हैं, आई हैव फाउंड माई पेन। अब नाउ लुक, वन थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि सबसे पहले सेंटेंस में आप नाउन को देखा करो। किसको? नाउन को। अगर आपको नाउन दिख रहा है और नाउन के पहले अगर कोई भी वर्ड है, तो मोस्टली केसेस में कल मैंने बताया था या उस सेक्शन में मैंने बताया था कि वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो दिस इज योर नाउन, सो यू कैन से दैट बिफोर इट, ये जो वर्ड है ना, दिस इज योर एडजेक्टिव। अब ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ये माई का मतलब होता है ये पजेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पजेशन। अब जब ये पजेशन शो कर रहा है तो ये आपका जो एडजेक्टिव होगा वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे पजेशन शो हो रहा है, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। नाउ मूव ऑन द सेकेंड एक्सरसाइज। इसमें दिया है इट वॉज अ रेनी डे। देखो अगेन डे इसमें क्या है, दिस इज अगेन नाउन। अब नाउन के पहले जो ये रेनी टर्म्स आया है ना, ये रेन से बना है। किससे? रेन से बना है। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि ज़्यादातर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं ना, वो ज़्यादातर या तो नाउन से बने होते हैं या फिर वर्ब से बने होते हैं, और उसमें हम क्या लगाते हैं, कुछ सफिक्स लगा देते हैं, जैसे वाई लग जाता है, एबल लग जाता है, लेस लग जाता है, या आई सी लग जाता है, या ए आर लग जाता है। वो मैंने आपको उस लेक्चर में समझाया है, तो पहले उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी उसको शेयर करिएगा और अपने रिलेटिव को जरूर दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो रेन यहाँ क्या है, नाउन है, वाई लग गया तो ये हो गया एडजेक्टिव रेनी। तो कहीं ना कहीं ये इसी को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ ये पजेशन नहीं शो कर रहा, पजेशन ये शो कर रहा, तो ये क्वालिफाई कर रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके अलावा इसमें और कोई एडजेक्टिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं विच फ्रूट। अब देखो ध्यान से, फ्रूट इसमें क्या है, नाउन है। क्या है? नाउन है। तो ये नाउन के पहले एक टर्म्स आ गया डब्लू, याद रखने, ये डब्लू एच वर्ड होते हैं ना, डब्लू एच वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं। कहीं ना कहीं ये क्या पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसके अलावा जैसे व्हाट और हाउ है ना, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव वर्ड है। अब ये इंटरोगेटिव वर्ड में क्या है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? दिस इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच फ्रूट इज अवेलेबल। अब यहाँ पे देखो अवेलेबल, अब अवेलेबल क्या है, अकेला है, और ये याद रखना अवेल से बना है, और अवेल क्या होता है,
वर्ब होता है। अवेल क्या है? वर्ब। और इसमें एबल लगा, और एबल लगा है तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एक कौन सा एडजेक्टिव हो गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। और ये जो क्वालिटी बता रहा है ना, वो इस फ्रूट्स की बता रहा है कि कौन टाइप का, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज इन दिस मार्केट। तो वो फ्रूट जो अवेलेबल है, क्या? वो फ्रूट जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भी एक एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन दिस मार्केट। अब देखो, मार्केट भी इसमें क्या है? नाउन है। मार्केट इज अगेन नाउन। अब कहीं ना कहीं इसी मार्केट की तरफ हम संकेत कर रहे हैं। दिस मार्केट, दिस पेन, दिस बुक, दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट फैन, दैट पेन, दीज पेंस, दोज बुक्स। तो कहीं ना कहीं जो इंडिकेट करते हैं उन्हीं को एक नाम हम और देते हैं, क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट जो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में आपने कितने एडजेक्टिव देखा? एक तो यहाँ है इंटरोगेटिव, यहाँ पे है क्वालिटेटिव, और यहाँ पे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, स्टूडेंट्स क्या है? वेरी गुड, नाउन, कॉमन नाउन। दीज, अगेन ये इंडिकेट कर रहा है, दीज मतलब ये छात्र। तो जब ये इंडिकेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज दिस? दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ मूव ऑन फर्दर, पार्टिसिपेटेड याद रखना, दिस इज मेन वर्ब, देयर इज नो एनी एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। नाउ मूव ऑन द सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। माई सॉन्ग, सॉन्ग अगेन, सॉन्ग इज नाउन। सो पहले ऊपर आपने देखा था, यहाँ माई पेन था, यहाँ पे माई सॉन्ग हो गया। सो दिस इज योर पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये पजेशन किसी और का नहीं है, ये पजेशन किसका है? मेरा है। किसका? मेरा। मीन्स ये जो सॉन्ग हो मेरा है। तो माई सॉन्ग हैज नॉट रिकॉर्डेड येट, इसमें और कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज नंबर वन। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड पे, और इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। मीन्स ये जो फिलर हैं, यहाँ पे या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा, या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आप प्रीवियस सेशन जो मैंने बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, रिटर्न बुक्स टू रुचि। अब ये कह रहा है कि किताब, जो किताबें हैं ना, उसको रुचि को रिटर्न कर दो। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, ये किताबें रुचि को रिटर्न कर दो, या मेरी किताबें रुचि को रिटर्न कर दो, या उसकी किताबें रुचि को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे याद रखना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आ सकता है, और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम क्या लगाएंगे? दीज। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ये नाउन क्या है? प्लूरल है। और यहाँ पे आप माई लगा सकते हो, या हिज लगा सकते हो, जो आपको लगाना वो लगा लो। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब इसमें आप दो ऑप्शन फिलअप कर सकते हो। इसके बाद दिया है वर्कर हैज फॉलन इल। अब देखो, लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क, और वर्कर इसमें क्या है? नाउन है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड आने वाला है। तो मैंने बताया था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में थ्री डब्ल्यू एच फैमिली आता है, एक तो विच है, एक वाट है, और एक हुज है। दीज आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ लुक, अब सपोज करो अगर हम हुज की बात करें, तो हुज पजेशन की बात करता, तो यहाँ पजेशन की बात नहीं चल रही है। वाट, वाट की भी नहीं बात चल रही। वाट याद रखना आइडेंटिफिकेशन मांगता है। क्या? वाट आइडेंटिफिकेशन मांगता है, वाट पेशा के बारे में बात करता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? विच। विच मतलब कौन सा, सिलेक्शन मांग रहा है। विच, विच क्या मांगता है? सिलेक्शन मांगता है। तो आपको लिखना पड़ेगा विच वर्कर हैज फॉलन इल, मीन्स कौन सा वर्कर बीमार है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपने क्या भरा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद दिया सी गेव हर टॉयस टू गर्ल इन द पिंक ड्रेस। अब सपोज करो आप कहीं पे खड़े हो, अब जब आप खड़े हो और कहीं पे कोई दूसरा खड़ा है, तो हमें उसकी तरफ क्या करते? इंडिकेट करते, इशारा करते हैं।
और दूर के लिए जब हम इशारा करते हैं, और जब कोई सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, और अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम दूज लगाते हैं, और अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर है और पास है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं, और कोई भी चीज़ अगर प्लूरल है और पास है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, दीज लगाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। तो सी गेव हर टॉयज, मतलब उसने अपने टॉयस दे दिए थे, किसको, उस लड़की को दे दिए थे जो पिंक ड्रेस में है। तो उस लड़की की बात चल रही, मतलब डिस्टेंस की बात चल रही यहाँ पे, तो गर्ल क्या हो गया, नाउन है, और इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मिस्टर राहुल हैज हर्ट नी। अब ये कहना ये चाह रहा कि मिस्टर राहुल हर्ट हो गए हैं, क्या हो गए, हर्ट हो गए हैं। अब किस में हर्ट हो गए, मतलब उन्हें चोट कहाँ लगी है, वो चोट लगी है नी में, तो ये नी क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, हिज नी, मतलब अपनी ही नी में उनको क्या लग गया है, चोट लग गया है, तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, किसका, पजेसिव, क्यों, पजेशन शो कर रहा है, मतलब जो नी बिलोंग कर रहा है वो नी किससे, किससे बिलोंग कर रहा है, वो बेसिकली बिलोंग कर रहा है मिस्टर राहुल से बिलोंग कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, एडवाइस वुड यू गिव योर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इनमें से कोई एक आएगा, तो विच एडवाइस वुड यू गिव योर स्टूडेंट्स, या वाट एडवाइस, या हुज़ तो आने वाला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पजेशन की बात नहीं चल रही, आएगा कोई इसमें से एक ही, तो याद रखना आप विच लगाएं या वाट लगाएं, आपके मन में डाउट आ सकता है, तो इसमें याद रखना वाट हमने क्या बोला था, आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपको एडवाइस एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो कौन सी एडवाइस है, और इसमें क्या है, इंडिकेट करना, तो सबसे बेस्ट होगा जो आपका व्हाट होगा, व्हाट एडवाइस, मतलब कौन सी एडवाइस हमें स्टूडेंट्स को देना है, तो मतलब एक्सप्लेन करके बताना है, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, व्हाट। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि विच लगा दे क्या, विच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विच लगाओगे तो उस केस में सिलेक्शन मांगेगा, मीन्स इंडिकेट करके बता देना ये वाली एडवाइस बच्चों को क्या करना है, देना है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, याद रखना एडवाइस भी क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, 5 and 6 दिया गया है, सेम आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो बेस्ट ऑफ लक And try it. I hope आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लुक हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स एंड मेंशन देयर काइंड्स। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फिलर दिया गया है ना एक्सरसाइज नंबर फोर्थ में, इनको आपको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, यही ऑप्शंस इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है। तो इसमें से हम सबसे पहला देखते हैं, इसमें दिया वाटर इज स्कैटर्ड देयर। अब देखो जरा ध्यान से, वाटर सबसे पहले याद रखना ये नाउन है, देखो मनी भी इसमें नाउन है, और बाइक यहां भी नाउन है, और यहां जर्नी भी नाउन है, और पीपल भी यहां नाउन है, समझ गए। अब देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल है, और जर्नी भी अनकाउंटेबल नाउन है, पीपल आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो याद रखना। अब यहाँ पे लिखा वाटर, अब वाटर अनकाउंटेबल है तो क्या लगाएंगे, या तो मच आएगा या तो एनफ आएगा, दो में से कोई एक आने वाला है आपका, ओके। सो अब एक चीज समझना, इज स्कैटर्ड देयर एनफ वाटर या मच वाटर, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मच वाटर मतलब बहुत ज़्यादा पानी वहाँ क्या कर दिया गया है, फैला दिया गया है, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। सी हैज़ मनी टू विजिट मुंबई, मतलब मुंबई विजिट करने के लिए उसके पास पैसा है। अब याद रखना रेड तो होगा नहीं, मैनी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक चीज़ ये भी याद रखना, जो मच होता है ना ये हमेशा UCN मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मैनी जो आता है वो CN मीन्स काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, और एनफ ये दोनों के साथ में आ सकता है, UCN और CN दोनों के साथ में आ सकता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मनी उसके पास एनफ है, पर्याप्त है, मतलब उसके पास जो पैसा ना वो सफिशियंट है, कहाँ, मुंबई विजिट करने के लिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हिज बाइक हैज पेंटेड,
अब पेंट किया गया है तो नॉर्मल सी बात है कलर में ही किया गया होगा, तो क्या लगा देंगे रेड। हिज बाइक हैज पेंटेड रेड, मतलब उसका बाइक कैसे पेंट किया गया, रेड कलर में पेंट किया गया। तो कहीं ना कहीं इसी ये बाइक की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कौन, रेड। तो ये भी क्या एडजेक्टिव ही है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे रेड। इसके बाद दिया दो द जर्नी वॉज आई मैनेज टू रीच माई डेस्टिनेशन ऑन टाइम, कहना चाह रहा है कि जो जर्नी थी वो लंबी तो थी लेकिन मैं मैनेज कर लिया अपने डेस्टिनेशन पर समय से पहुंचने, मतलब मैं डेस्टिनेशन पे समय से पहुंच गया। तो याद रखना, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, याद रखना ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इधर वाला रिजल्ट है ना ये पॉजिटिव जा रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट जब कर रहा है कॉन्ट्राडिक्शन किस में करेगा, नॉर्मल सी बात है किसी इसी के निगेटिव में होगा, तो उस केस में क्या लगा देंगे लॉन्ग, क्या लगाएंगे लॉन्ग, मतलब जर्नी कैसी थी, लॉन्ग थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं फिफ्थ नंबर पे, पीपल बिलीव दैट इंडिया वुड विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अभी कहना चाह रहा है कि मतलब लोगों ने बिलीव किया था कि भारत जो है वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या करेगा, जीत जाएगा। तो अब नॉर्मल सी बात है एक ऑप्शन बचा तो वो लिख लिया करो, तो यहाँ क्या लिखूँ मैनी, या एक इसका दूसरा सबसे बेस्ट तरीका होता है जो आपके फिलर दिए गए हैं ना इनमें से सबसे पहले आप उनको देखो कि कौन सा आंसर आपको बिल्कुल 100% आ रहा है, पहले उनको भर लिया करो, उसके बाद जो ऑप्शन बचा करें ना लास्ट में फिर उनको भरने की कोशिश किया करो, इससे भी आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एक काम करते हैं एक्सरसाइज नंबर फिफ्थ पे आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर फिफ्थ क्या दिया, फॉर्म एडजेक्टिव्स। तो मैंने आपको बताया था जो बेसिकली एडजेक्टिव का हम फॉर्मेशन करते हैं ना वो कैसे करते हैं, नाउन या वर्ब में क्या लगाकर, हाँ सफिक्स लगा के। इसलिए मैंने बोला था कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए। अब ये सफिक्स कौन से लगेंगे इसका मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, यू आर एबल एक मैंने बोला था याद कर लेना, और फिर मैंने बोला था सम वन लाइक लिव लाइफ लेस, ये मैंने एक बोला था, पहला तो ये याद कर लेना, इसमें कोई ग्रामर का रोल वोल नहीं चल रहा, मैं तो याद करने के लिए आपको तरीका बता दे रहा हूँ। और फिर मैंने बताया था एक ही लिए याद कर लेना, आइस विस फुली पायस पी आई ई ओ यू एस। ओके अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें से यू सफिक्स की तरह काम करेगा, इसमें से आर सफिक्स की तरह काम करेगा, इसमें से पूरा एबल करेगा, इसमें से सम करेगा, इसमें से लाइक करेगा, इसमें से आई भी ई करेगा, इसमें से लेस करेगा, इसमें से आई सी करेगा, इसमें से आई एस एच करेगा, इसमें से फुल भी करेगा, एल वाई भी करेगा, और इसमें से ओ यू एस करेगा। मीन्स अगर आप किसी नाउन या वर्ब का एडजेक्टिव बनाओगे तो ये जो है ना यू हुआ आर हुआ एबल हुआ सम हुआ लाइक हुआ आई भी हुआ इव हुआ लेस हुआ आइस हुआ आई एस एच हुआ फुल हुआ एल वाई हुआ ओ यू एस हुआ, यही आपके क्या लगते हैं सफिक्स लगते हैं। अभी देखना मैं कैसे बना दूंगा इनसे, देखना जैसे टाइम है तो टाइम से क्या बनेगा, हाँ वेरी गुड टाइमली, एक क्या हो जाएगा टाइमली हो गया, देखो एल वाई लग गया, ये एल वाई मैंने लगाया तो इसमें देख सकते हो एल वाई लग गया, ये एडजेक्टिव बन गया, ये इसको आप टाइम लेस भी कर सकते हो, याद रखना एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं एडजेक्टिव, बस मीनिंग चेंज हो जाएगा। पेन, अब पेनफुल कर दो आप, क्या कर दो पेनफुल, अब देखो आपने ये फुल लगा दिया, ये क्या लगा दिया फुल लगा दिया, तो यहाँ पे फुल हो गया। हिल, अब हिली कर दो, हिली एरिया आपने देखा ही होगा, देखो मैंने क्या कर दिया वाई लगा दिया, वहाँ देखो वाई लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिली हो जाएगा। अब देखो आपके लिए कितना इजी हो गया बताओ, आपको ज़्यादा टफ लग रहा है क्या, नहीं। पिटी, तो पिटी से होता है पिटियस, ये वाई को ई में कन्वर्ट करेंगे और ओ यू एस लगा देंगे, देख लो यहाँ पे ये ओ यू एस लगा है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद है टेबल, टेबल लेस भी हो जाएगा, टेबल लेस या टेबुलर भी होता है, इसी से आप टेबुलर भी बना सकते हो। अब देखो इसमें ए आर लग रहा है, देखो यहाँ से ए आर लगा दिया, और नहीं तो इसमें देखो लेस लग रहा है, क्या लगा दिया लेस, देखो यहाँ पे लेस कहीं ना कहीं आया होगा, देखो लाइफ लेस आया है। ऐसे ही आपका एक्सप्रेसिव होता है, क्या एक्सप्रेसिव, अब देखो इसमें हमने क्या लगा दिया आई भी ई लगा दिया, देखो यहाँ पे आई भी ई लगा है, एक्सप्रेसिव हो गया। ऐसे गर्लिस, गर्लिस
आई एस एच लगा दिया, या गर्ली भी होता है, जी आई आर एल वाई, गर्ली, समझ गए। इसमें मैंने केवल वाई लगा दिया, देख लो यहाँ पे आई एस एच है, देखो आई एस एच है और यहाँ पे क्या है, वाई है, देखो यहाँ लगा दिया वाई। स्टेटलेस, स्टेटलेस ये मैंने लेस लगा दिया, ये क्या लगा दिया, स्टेट लेस लगा दिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको, लग रहा है नहीं लग रहा है, प्लीज बताना आप लोग जरूर। फॉल्ट, फॉल्टी, फॉल्टी यहां वाई लगा दिया। सीनरी, सीनिक, सीनिक, एस ई एन ई आई सी, सीनिक, ये मैंने आई सी लगा दिया। देखो कहाँ पे है आई सी, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे है आई सी, तो मैंने क्या लगा दिया, सीनिक लगा दिया। ये हमने क्या बना दिया, एडजेक्टिव। अब इसमें से कुछ नाउन होंगे और कुछ इसमें से क्या होंगे, वर्ब होंगे, और उन्हीं का हमने क्या बना दिया, एडजेक्टिव, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यह फॉर्म अपोजिट एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव दिए गए हैं ना, दीज आर ऑलरेडी एडजेक्टिव्स, अब इनका हमें क्या बनाना, अपोजिट बनाना। तो अपोजिट बनाने के लिए मैंने कुछ टर्म्स बताए थे, या तो इन लगता है, या तो इम लगता है, या तो यू एन लगता है, या डिस लगता है, या आई आर लगता है। ये टर्म्स लगाकर, और ये जो काम करेंगे किस रूप में काम करेंगे, प्रीफिक्स के रूप में काम करेंगे। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। देखो पर्सनल है तो इम्पर्सनल हो गया, हाँ जैसे पर्सनल कंप्यूटर होता है, इम्पर्सनल कंप्यूटर भी होता है क्या, हो सकता है कोई अपना बना ले, तो ये इम्पर्सनल हो गया। रेशनल, इरेशनल, यहाँ आई आर लगा दो, देखो यहाँ से आई आर लगा दिया, यहाँ से मैंने आई एम लगा दिया। सीन, अनसीन, अन लगा दो, अनसीन हो गया, अपोजिट हो गया। इफिशियंट, इनफिशियंट हो जाएगा क्या, इनफिशियंट हो गया। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस हो जाएगा, इन लगा दो। ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। रियल, अनरियल हो जाएगा। इसके बाद डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिनड हो जाएगा, इनडिसिप्लिनड। और मॉर्टल, इमॉर्टल, मॉर्टल मतलब मरणशील, और इमॉर्टल मतलब जो अमर है, क्या अमर है, हम लोग क्या मरणशील हैं, और हमारी जो सोल है ना वो क्या है, इमॉर्टल है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी याद रखना इसके दो पार्ट्स और आएंगे, जिसमें से हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाएंगे और एडजेक्टिव के रूल्स पढ़ाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली को बताइए, और अपने रिलेटिव को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।